नमस्कार, तेज खबर 24 में वक्त है खबरों का। सागर जिले में बीती रात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले से महज 150 मीटर दूरी पर 3 राउंड गोली चलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने कट्टा सहित 3 कारतूस के खोखे और 5 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए हैं। वहीं मंत्री जी के घर के समीप 3 राउंड हवाई फायर होने से इलाके में सनाका खिंच गया है। घटना के संबंध में सागर SP अमित सांगी ने बताया कि बीती रात करीब 1 से 1.5 बजे के बीच जब मंत्री जी की कार उन्हें छोड़कर वापस आ रही थी, तभी बंगले से कुछ दूर गोलियां चलने की आवाज आई। सागर SP अमित सांगी ने बताया कि पुलिस ने मौके से 3 चले हुए कारतूस, 5 जिंदा कारतूस और 1 कट्टा बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपियों विवेक ठाकुर और गौरव चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी मूसा लिंकन फरार हो गया है। मूसा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गोपालगंज थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि इस मामले में मंत्री गोविंद राजपूत के गनमैन अरविंद पाल सिंह ने गोपालगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें धारा 308 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं देर रात हुई इस गोली चालन की घटना की वजह से अभी तक पता नहीं चली है। थाना गोपालगंज अंतर्गत क्रिश्चियन कॉलोनी में रात को करीब 1:45 बजे की घटना है, जब वहां पे 3 बदमाश थे और इसमें से इनके द्वारा गोली चलाई गई और मौके पे सभी पुलिस अधिकारी FSL वगैरह पहुँचे और इसमें से 2 लोग, एक गौरव चौहान और एक विवेक था, इनकी गिरफ्तारी की गई है और 1 कट्टा, 5 जिंदा राउंड और 2 चले हुए खाली खोखे और 1 बुलेनो कार ये बरामद हुई है और 1 अन्य आरोपी जो मूसा लिंकन जिसका नाम है वो अभी फरार है, जिसकी की तलाश अभी की जा रही है। सर, ये मंत्री जी आए थे, उसके बाद ये गोली चली, तो क्या पूछताछ अब तक क्या सामने आया? ये माननीय मंत्री जी जब घर आ गए थे और उनको घर छोड़ के उनकी गाड़ी जब लौट रही थी और उसके माननीय मंत्री जी के बंगले से करीब 150 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है, तो इसमें आरोपी गण भी पुलिस में इनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य पहलुओं पर भी जाँच की जा रही है।